तन्नू बैठ जा, तन्नू और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विश्व साक्षरता दिवस। तो इसको क्या हर साल एक ही दिन मतलब 8 तारीख को ही मनाया जाता है? इस दिन को कब मनाना शुरू किया था? 1966 में डिक्लेयर करा था कि सितंबर 8 वर्ल्ड लिटरेसी डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो कुछ बच्चों ने आके कभी घर में ये लोग पढ़ते हैं या माँ बाबू को या मम्मी लोगों को किताबें पढ़ के सुनाते हो, तो इस बार शायद जो थीम है वर्ल्ड लिटरेसी डे की, उससे जो ये बच्चों ने काम किया है वो काफी मिलता जुलता है। वो है कि एक्सप्लोर क्लासरूम के अलावा किस तरीके से एक्सप्लोर करके हम लर्निंग स्पेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अभी सब बच्चे अपने अपने आप बताएंगे कि उन्होंने इस बार क्या क्या किया है। तो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तनुजा मिश्र है। मैं आपके सामने विश्व साक्षरता दिवस क्यों मनाते हैं बता रही हूँ। विश्व साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डे के जाता है। साक्षरता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने समाज व देश के लोगों में जागरूकता बढ़ाना, समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा के संदेश को पहुंचाना और एक साक्षर दुनिया का निर्माण करना। संगठन द्वारा की गई हर साल साक्षरता दिवस को एक नई थीम और लक्ष्य निर्धारित कर मना साक्षरता दिवस मनाने का लक्ष्य उन लोगों को शिक्षा के साथ जोड़ना, बढ़ावा देने के लिए मिशन योजनाएं चलाई जा रही है। आओ मिलकर साक्षरता का अभियान चलाएं, लोगों को शिक्षा के अनगिनत फायदे समझाएं। थैंक यू। प्रिया विष्टा, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। आपको पोएम सुनाना चाहती हूँ। बहुत जरूरी होती शिक्षा, सारे अवगुण होती शिक्षा, चाहे जितना पढ़ ले हम पर कभी ना पूरी होती शिक्षा। शिक्षा पाकर ही बनते हैं नेता, विज्ञान क्रांति अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही मिल सकता है सर्वोपरि सम्मान। बुद्धिहीन को बुद्धि देती अज्ञान को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत इस महान। शिक्षा की मसाल जले, साक्षरता अभियान चले, जन जन को शिक्षित करे, सपना यह साकार करे। शिक्षा ही जन जन की साथी, बुद्धि और ज्ञान की दाती, अन्याय से लड़ना शिक्षा ही सिखाती, अज्ञान के अंधकार को शिक्षा ही मिटाती, साथी शिक्षा संस्कार ही हमें बनाती। शिक्षा साक्षरता से ही होता उचित अनुचित का ज्ञान, बिन शिक्षा जीवन है कई कष्टों की कान, शिक्षा से मिलता है सम्मान, शिक्षा से दूर होता है अभिमान। शिक्षा की मसाल जले, साक्षरता अभियान चले, जन जन को। दीदी, हमने वाले गांव में घूमे, हमने ताई और आमा लोगों के नाम लिखे और उनकी बचपन की यादें लिखी और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। दीदी, हम पहले कहा कि हमको ये वो रखना है, फिर उसके बाद हम उनके साथ, फिर हम वो एक उसमें आग में बैठे, फिर हमने उनके साथ बातचीत करी, उन्हें बचपन में क्या क्या हुआ हमारे साथ, इसलिए वो उनके साथ। और हमने से बात की, तुमने भी बात करी तो बड़े लोगों से करिए। उनकी उम्र है 51 साल, कक्षा 5 तक पढ़ा था मैंने। उन्हें बचपन में कविता बहुत पसंद थी, उठो लाल अब आंखें खोलो, सुबह हो गई वहां तुम धो लो, बीती रात कमल कमंडल फूल झूले। ये ताई को पसंद थी कविता और उनको याद थी अभी तक। उनको गुड्डे गुड़िया का खेल भी बहुत पसंद था, बहुत पसंद था गुड्डे गुड़िया से खेलना। दूसरा है का कि हमको ये वो रखना है, फिर उसके बाद हम उनके साथ, फिर हम वो एक उसमें आग में बैठे, फिर हमने उनके साथ बातचीत करी, उन्हें बचपन में क्या क्या हुआ हमारे साथ, इसलिए वो उनके साथ।
और हमने से बात की। तुमने भी बात करी तो बड़े लोगों से करी है। उनकी उम्र है 51 साल, कक्षा 5 तक पढ़ रहा था। उन्हें बचपन में कविता बहुत पसंद थी। उठो लाल अब आंखें खोलो, सुबह हो गई वहां तुम धो लो, बीती रात कमल कमंडल फूल जुड़े। ये ताई को पसंद थी कविता और उनको याद थी अभी तक। और उनको गुड्डे गुड़िया का खेल भी बहुत पसंद था। बहुत पसंद था गुड्डे गुड़िया से खेलना। दूसरा है नहीं पढ़ा था उनकी। अच्छा स्कूल नहीं पढ़ा था। अच्छा स्कूल नहीं गए थे। ठीक है। उनकी उम्र 65 साल। अच्छा उन्हें गाय बकरी चलाना बहुत पसंद था। तीसरा नाम है दीवान राम। उन्होंने कक्षा 7-4 तक पढ़ा था। अच्छा और उनकी उम्र है 70 साल। 70 साल तो वो 4 तक स्कूल अपने गांव में ही जाते थे। क्या वो अनुष्का के दादाजी हैं? हाँ। सर तुमने बताया नहीं कि स्कूल कहाँ था। तुमने रामलीला देखना बहुत पसंद था। अच्छा रामलीला देखना पसंद था। शनिया मां उनकी हमारी बात है तो भी उन्होंने बोला कि बचपन में हम स्कूल तो गए थे एक दिन, पर वो शायद टीचर वो होंगे तो उन्होंने बोला कि तुम कल अगर अगले दिन स्कूल आओगे तो मिलने तंबाकू लेके आना। तभी वो लोग का तो घर वाले डांटते उनके पास थी तो वो अगले दिन से स्कूल ही नहीं गए थे। कौन है कहा वो? उषा दी की उषा दी की अम्मा। हम एक हम वहाँ हिमानी दी की अम्मा के आ गए। उनका नाम सरस्वती देवी है। हमने उनसे पूछा कि तुमने बचपन में क्या क्या किया। वो बोल लेते हैं हमने स्कूल तो नहीं पढ़ा है, पर वो बोली थी मुझे घास वास काटना बहुत अच्छा। तो घास काटने जाते थे और ने बहुत लड़ाई झगड़े सब बहुत चीज किया। उन्हें खेलना भी बहुत पसंद था। और हम माई की अम्मा के यहाँ गए थे। उनका नाम श्यामा देवी है। उन्हें कहा था उन्हें गाने का गाने का शौक था। उन्होंने हमें बहुत 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 अच्छे अच्छे गाने सुनाए। पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। अम्मा के घर गए थे तो उन्हें बचपन में अपनी मम्मी उनकी साड़ी वाड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो अपनी मम्मी की साड़ी निकालते थे तो वहाँ उनकी मम्मी के पैसे रखे थे तो वो साड़ी पैसे सूखे और उसमें उनकी मम्मी को पता नहीं चलता था कि साड़ी पहन के डाल। बहुत सारे ऐसे रो रो करके अपनी मम्मी के पैसे निकालते रहती थी तो उन्हें सूपे में रख दिए। तो एक दिन उनकी मम्मी को कुछ काम आया तो उनकी मम्मी ने कहा मेरे पैसे कहाँ हैं? तो उन्हें कहा मम्मी सूपे में है ऊपर टार में। तब उन्हें तब बोलती थी ऐसी झगड़ करते थे। फिर हमने आदि के बुबू से पूछा तो आदि के बुबू कहते कि हम तो बचपन में धूरा जाते थे और वहां से बहुत शौक था। मैं बोले थे कि मैं माही के बुबू दीपली के बुबू हम सब खेलते थे। अच्छा। हम बहुत शैतानी करते थे। एक दिन हम सब लोगों ने माही के बुबू को पकड़ा। एक ने हाथ खींचा एक ने पांव खींचा सबने एक बार में कूद आ गए। फिर उसके बाद वो उसको बहुत तगी। फिर हम ऐसी शैतानी करते थे। गए थे तो बोल रही थी कि बचपन में हम ऐसी सहेलियां मतलब साथ में रहकर खेलती थी। दुर्गा देवी हमका नाम। जयंती देवी के वहाँ वो अम्मा है जयंती देवी। उनके यहाँ गए उन वो बोले थे मैंने एक भी नहीं पढ़ा है। वो बोले थे जब भी वो जाते थे हमें कोई पढ़ने का शौक भी नहीं था। हम सब लोग घर को आते थे तो उनके साथ घर को आ जाते थे। हमारी मम्मी लोग सोचते थे कि क्या हम पढ़ रहे हैं पैसा बोले थे। और वो बोलता है मुझे अब कुछ पढ़ना भी नहीं आता और टाइम देखना भी नहीं आता है। और फिर कहते हैं तो हमने उनको गेम खिलाया तो उसमें ताई जीती और एक में ताऊ जीते। तो उसके बाद हमने कहा कि ताई से गाना सुनाओ तो ताऊ पीछे से फूल तोड़ के लाए गाने लग गए ताई का। फिर उसके बाद फिर ताऊ ने गाना सुना।
मैं फिर हम उधर को चले गए थे। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट किया है ना, उसको लिखा हुआ है और फोटोज और वीडियोस भी लिए हैं। ठीक है जी, तो दिखाओ हम लोगों ने क्या किया। मेमोरी गेम खिला रहे थे तो फिर उसमें हमने कि अगर आप जोड़े बना दोगे तो आप जीत जाओगे और आपको इनाम मिलेगा। तो फिर उनको पहले पहले में तो बहुत कठिनाई हुई, उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको अच्छा लगा कि नहीं खेलना? अच्छा लगा उन्हें। ये उनको क्या मिला, गिफ्ट? हाँ उनको भी हमने गिफ्ट दिया था अगले दिन। अच्छा गेम के लिए। और यही मैंने जिसमें एक पासा वाला गेम था, कदम चलने वाला, और एक ग्लास वाला गेम था, दोनों में ये अम्मा जीती थी। तो दोनों में दुर्गा देवी बैल होते हैं ना, विनू सोमी, तो वही वाले स्टोरी थे विनू की जो बहुत बिगड़ा है वो टाइप वाला। अच्छी पहाड़ी की किताब सुना रहे हो ये तो एक बताओ। ये अम्मा मतलब सवाल पूछ रही थी कि इसमें क्या है, और इसका नाम ठग्गू है तो ठग्गू ही है, और मतलब ये मीना देवी है। बहुत ऊंचा कर दिया तुम लोगों ने यार, बहुत चीटिंग भी कर रहे थे। अरे चला भी गया ये कौन ले रहा था वीडियो? कुछ याद है तुमको, क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, कुछ याद है कि ठीक है।